Hello everyone, welcome back to my channel. So in this channel you will find all the videos regarding life science examination like CSIR, DBT, ICMR, GATE and all the other examination. So today we are going to deal with one of the most important technique, which is FRAP. This technique is mainly used in cell biology. So this technique stands for fluorescence recovery after photo bleaching. So in the last lecture we discussed that plasma membrane जो होती है हमारी lipid और protein से मिलकर बनी होती है. So जो main कंपोजिशन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो है लिपिड एंड प्रोटीन. सो दिस टेक्निक फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इज यूज टू डिटेक्ट द लेटरल मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन और लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मींस कितना हमारा लिपिड और प्रोटीन लेटरली मूव कर रहा है, कितना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इस टेक्निक के थ्रू हम समझ सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो लिपिड और प्रोटीन है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं और कितने तरीके के मूवमेंट शो करते हैं. सो फॉर लिपिड हमारा चार तरीके के मूवमेंट को शो करता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट जो हमारा प्रोटीन होता है वो सिर्फ दो तरीके के जो है मूवमेंट को शो करता है. सो हमारा जो लिपिड मॉलिक्यूल है इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि लेटरल डिफ्यूजन सबसे पहला मूवमेंट जो है लेटरल डिफ्यूजन, जिसको हम फ्रैप टेक्निक के थ्रू एनालाइज करते हैं कितना रेट ऑफ डिफ्यूजन है. तो लेटरल डिफ्यूजन जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल अपने प्लेस को एक्सचेंज कर सकते हैं मोनोलेयर में एक जगह से दूसरी जगह. लाइक ये लिपिड यहाँ पे था तो ये यहाँ पे भी मूव कर सकता है, ये यहाँ से इधर मूव कर सकता है, यहाँ से इधर मूव कर सकता है. मीन्स विद इन वन मोनोलेयर दे कैन एक्सचेंज देयर प्लेसेस. देन सेकेंड जो सेकेंड मूवमेंट होता है वो होता है हमारा रोटेशन. तो अपनी ही एक्सिस पे जो लिपिड मॉलिक्यूल मूव करता है उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट. देन द थर्ड मूवमेंट जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्सल डिफ्यूजन, और वी कैन से फ्लिप फ्लॉप. मीन्स एक मोनोलेयर से जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो दूसरी मोनोलेयर में जंप करेगा. ये कुछ एंजाइम की हेल्प से होता है लाइक स्क्रैम्बलेज, फ्लिपे, फ्लॉपेज. तो इसे हम किसी आगे वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे मूव करके आ गया है और ये जो मॉलिक्यूल है जंप करके इधर जा सकता है, तो हम इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं. और थर्ड जो फोर्थ मूवमेंट होता है वो होता है कि वाइब्रेशनल मूवमेंट, स्विंगिंग मूवमेंट. जो इसकी टेल है फैटी एसिड टेल वो वाइब्रेट कर सकती है. तो ये चार तरीके की जो डिफ्यूज़न या मूवमेंट कह सकते हैं हमारा जो लिपिड है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शो करता है. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट रहता है उसे हम बोलते हैं लेटरल डिफ्यूजन. तो आपको समझ आ गया होगा कि लेटरल डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ वन लिपिड मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द मोनोलेयर. मींस विद इन मोनोलेयर जो लिपिड है अपनी प्लेस को चेंज करेगा. इसे हम दूसरी डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं. सो ये हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है जो सपोज पिंक कलर का है, अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, बट इसने थोड़ी देर के बाद मूवमेंट किया और ये क्या हो गया, यहाँ पे जंप करके आ गया. मींस मोनोलेयर में इसने अपना प्लेस चेंज कर लिया. मींस यहाँ पे लेटरली डिफ्यूज कर गया इस तरीके से लेटरल. तो बाद में यही मॉलिक्यूल जम करके यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे जा सकता है. तो दिस इज नोन एज लेटरल डिफ्यूजन. तो हमारे लिपिड जो होते हैं वो चार तरीके के मूवमेंट शो करते हैं, बट हमारा जो प्रोटीन है वो केवल दो तरीके के ही मूवमेंट को शो कर सकता है. या तो लेटरली मूव कर सकता है प्रोटीन, या फिर अपने एक्सिस पे रोटेशन कर सकता है. सो आवर प्रोटीन कैन शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट एंड आवर लिपिड कैन शो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लेटरल डिफ्यूजन. सो After that only we can understand how we can use the FRAP technique to determine the rate of lateral diffusion for any particular protein or for any particular lipid. सो नाउ वी कैन सी कि हम फ्रैप जो टेक्निक है उसका एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन करते हैं. सो सपोज़ आपने एक सेल लिया, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर हमने एक प्रोटीन को लिया या फिर लिपिड मॉलिक्यूल किसी को भी लिया. तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लेवल करेंगे. लेवल हम कर सकते हैं फ्लोरोसेंटली लेवल कर सकते हैं, कोई भी हम एंटीबॉडी प्रोटीन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी को टारगेट करेंगे और उस टारगेट एंटीबॉडी को हम फ्लोरोसेंटली लेबल कर देंगे, या फिर हम जीएफपी ग्रीन फ्लोरोसेंट टैग दे देंगे. किसी भी तरीके से हमने अपनी जो प्रोटीन है उसको टैग किया. सो अब हमने इस प्रोटीन को फ्लोरोसेंटली लेबल कर दिया. तो अब हम इस प्रोटीन को फ्लोरोसेंटली लेबल करने के बाद इसे ब्लीच आउट करेंगे. हम एक पर्टिकुलर एरिया अपनी मेम्ब्रेन में सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम लेज़र बीम डालेंगे, जिसकी वजह से वो एरिया क्या हो जाएगा, लेज़र बीम हम डालेंगे तो फ्लोरोसेंट जो होगा उस प्रोटीन वहाँ की जो नियर बाय प्रोटीन होगा उनका जो फ्लोरोसेंट होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ब्लीच्ड आउट हो जाएगी. मीन्स वो फ्लोरोसेंटली टैग नहीं रहेंगे और बाकी जो हमारी प्रोटीन्स रहेंगी वो फ्लोरोसेंटली टैग रहेंगे.
फिर कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि जो फ्लोरोसेंस है वो रिकवर हो रहा है, मींस यहाँ पे जो प्रोटीन थी हमने तो सारी ब्लीच आउट कर दी थी, बट क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से फ्लोरोसेंट प्रोटीन आने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो हमारी प्रोटीन या लिपिड जो भी हम देखना चाहते हैं वो क्या था, मेम्ब्रेन में मोबाइल था, इसीलिए जो फोटो ब्लीच्ड प्रोटीन था वो क्या करा, फ्लोरोसेंट की जगह पर चला गया और जो फ्लोरोसेंट की टैग्ड प्रोटीन था वो फोटो ब्लीच्ड एरिया में आ गया, मीन्स प्रोटीन क्या हुई इधर से इधर एक्सचेंज हो गया। तो इसी चीज़ को हम इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि जब हमने फ्लोरोसेंटली टैग किया था किसी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन को या लिपिड को तो हमारा जो फ्लोरोसेंट था ये हाई लेवल पे था, बट जैसे ही हमने ब्लीच आउट किया तो हमारा जो फ्लोरोसेंट है उसमें शार्प ड्रॉप हुआ, मींस फ्लोरोसेंट एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, बट कुछ टाइम बाद देखा गया कि फ्लोरोसेंट फिर से रिकवर होने लग गया है। तो जिस रेट से हमारा जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस की रिकवरी होगी मींस उतना ही ज़्यादा वो प्रोटीन मोबाइल है। और तो क्या देखा गया कि कुछ टाइम बाद 50% प्रोटीन जो थे वो रिकवर कर गए और 50% प्रोटीन जो है रिकवर नहीं कर पाए फ्लोरोसेंस को। तो जो प्रोटीन रिकवर नहीं कर पाए वो इमोबाइल थे और जो रिकवर कर पाए वो क्या थे, मोबाइल थे। मींस जो प्रोटीन इमोबाइल थे, सपोज यहाँ पे कुछ प्रोटीन तो मूव कर गए बट ये जो प्रोटीन नहीं मूव करे जो वहीं पे फोटोब्लीच्ड एरिया में रह गए, मींस वो साइटोस्केलेटन से अटैच्ड हैं या फिर मल्टीपल टाइम मेम्ब्रेन को पास कर रहे हैं, तो उनके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उतना जल्दी नहीं हो सकता जो नॉर्मल प्रोटीन्स के लिए है जो फ्रीली प्रेजेंट है, मतलब साइटोस्केलेटन से अटैच नहीं है, या नॉर्मली जो लिपिड ऐसे ही प्रेजेंट है उनके लिए मूवमेंट जो है फास्ट हो जाएगा, बट इन प्रोटीन के लिए जो मूवमेंट होगा स्लो होगा और कुछ प्रोटीन के लिए तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो इमोबाइल होंगी, बट कुछ प्रोटीन जो रहती है वो रहती है मोबाइल। इसलिए कुछ टाइम के बाद हमारा 50% मोबिलिटी देखी गई। तो इस तरीके से जैसे फ्रैप स्टैंड करता है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, मीन्स फ्लोरोसेंस की कितनी रिकवरी हुई जब हमने किसी पर्टिकुलर टैग्ड प्रोटीन को फोटो ब्लीच किया, तो उसके थ्रू हम जिस रेट से ये रिकवरी होगी उस रेट से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स हायर द रिकवरी, हायर द फ्लोरोसेंस रिकवरी मीन्स हायर द मोबिलिटी ऑफ दैट प्रोटीन और लिपिड। तो इस तरीके से जो रेट है, रेट ऑफ फोटो ब्लीचिंग, रेट ऑफ मूवमेंट जो है लेटरल डिफ्यूजन, वो कैलकुलेट किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू। होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, कि फ्लोरोसेंटली टैग करना है किसी भी प्रोटीन को, देन उसको फोटो ब्लीच करना है और देन उसकी रिकवरी देखनी है। तो इसी के बेसिस पे, इसी ग्राफ के बेसिस पे CSIR में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो वी विल सी दैट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का। तो इसमें पूछा गया है टू इन्वेस्टिगेट द डायनेमिक नेचर ऑफ टू अनरिलेटेड सेंट्रोसोम लोकलाइजिंग जीएफपी मीन्स ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन टैग प्रोटीन। तो जीएफपी टैग किया गया है हमारे दो प्रोटीन को जो अनरिलेटेड है, ठीक है। एक प्रोटीन है जीएफपी ए और दूसरा है जीएफपी बी। तो एक टीम ऑफ साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रैप को कंडक्ट किया ताकि वो पता चले कि इन दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि हमने जो है दोनों प्रोटीन को क्या किया, जीएफपी से टैग किया और फोटो ब्लीच किया। जो हमारा प्रोटीन बी है वो इतना जो है रिकवरी शो कर रहा है और जो हमारा प्रोटीन ए है वो डैश से इतनी रिकवरी शो कर रहा है। तो अब हम इस जो ग्राफ है फ्रैप की एनालिसिस के बेसिस पर आया है, उससे हम क्या स्टेटमेंट को करेक्ट बोल सकते हैं। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। तो सबसे पहले है हमारा जीएफपी बी प्रोटीन शो फास्टर एक्सचेंज रेट देन द जीएफपी ए। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा हमारा प्रोटीन का रिकवरी रेट होगा, मींस जितना ज़्यादा वो फ्लोरोसेंट को रिकवर करेगा, मींस वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, फास्ट मोबाइल होगा। क्योंकि देखो बी जो प्रोटीन है उसका जो फ्लोरोसेंस रिकवरी ग्राफ है वो ए से ज़्यादा है, मींस उसकी जो मोबिलिटी है ए से कहीं ज़्यादा है, वो ए से ज़्यादा जो है फास्टर एक्सचेंज कर रहा है अपनी प्लेस को अदर प्रोटीन के साथ। जबकि अब हमारा बी है जीएफपी ए शो फास्टर एक्सचेंज, मींस हमारा एक हो गया, तो ये जो ऑप्शन है हमारा बी गलत हो गया। जीएफपी ए टैग्ड प्रोटीन हैज मोर इमोबाइल फ्रैक्शन, मींस यहाँ पे जो प्रोटीन जीएफपी ए टैग्ड है उसका इमोबाइल फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है किससे, जीएफपी बी से। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ए और सी स्टेटमेंट हमारे एकदम सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो ये बता रहा है कि जो जीएफपी बी टैग प्रोटीन है वो हमारा ज़्यादा ही एक्सचेंज रेट कर रहा है, क्योंकि ग्राफ से दिख रहा है, क्योंकि उसका जो फ्लोरोसेंस रिकवरी है वो ज़्यादा है और जो हमारा जीएफपी ए बी है उसकी रिकवरी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मोबाइल है, ज़्यादा जल्दी वो फास्ट मूवमेंट कर रहा है। तो हमारा जो ए है उसका जो मोर इमोबाइल फ्रैक्शन है उसमें मोबाइल मूव करने वाला जो फ्रैक्शन है कम है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है ए एंड
सी। तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो इस तरीके सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टेक्निक से, यू कैन इजीली स्कोर 4 मार्क्स इन द सेक्शन सी। देन द सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था CSIR में, यूजिंग फ्रैप फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग टेक्निक डिफ्यूजन कोफिशियंट ऑफ 3 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो 3 प्रोटीन थी हमारी इंटीग्रल मेम्ब्रेन, उनका डिफ्यूजन प्रोटीन कोफिशियंट दिया गया है। तो मैंने बताया था कि जो फ्रैप टेक्निक है उससे हम डिफ्यूजन कितना रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो पता कर सकते हैं। तो जो हमारी प्रोटीन है M1 है, M2 है और M3 है। तो M1 के लिए कितना है, तो हम लोगों का जो प्रोटीन का डिफ्यूजन कोफिशियंट है वो M1 का है 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, मींस वो 1 माइक्रोमीटर एरिया में डिफ्यूज कर सकता है पर सेकेंड में। M2 का है 0.05 माइक्रोमीटर पर सेकेंड एंड M3 का जो है वो है 0.005 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। तो ये किडनी सेल से 3 प्रोटीन देखी गई, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, मींस हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं मोबाइल होते हैं, इसलिए उसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोला जाता है। तो हमें बताना है कि रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विद डिफ्यूजन कोफिशियंट, विच प्रोटीन विल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन। तो कोई भी हमारा प्रोटीन है जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करता है तो इस तरीके से इंटीग्रल मेम्ब्रेन पास करेगा, ये जो है मेम्ब्रेन के पास है। तो जिस प्रोटीन में जितने ज़्यादा इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन होंगे, इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन मीन जो लिपिड बायलेयर को पास करेंगे, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इसके पास 6 है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। सपोज कोई प्रोटीन सिंगल पास है तो वो ज़्यादा इजीली मूव कर सकती है, और सपोज कोई प्रोटीन जो है डबल पास है तो उसका जो मूवमेंट होता है इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो M1 प्रोटीन है, मींस इसका ज़्यादा डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज़्यादा आ रहा है, मींस इसके पास जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है वो कम है M2 के कंपैरिजन में, और सिमिलरली M2 के पास कम है M3 के कंपैरिजन में। क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट होगा, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा, उतना ही मींस वो प्रोटीन मोबिलिटी ज़्यादा शो कर सकता है, मींस उसके पास उतने ही कम इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है। तो हमारा जो M3 है उसका जो हमारा डिफ्यूजन कोफिशियंट है सबसे कम है, मीन्स वो सबसे कम मूवमेंट कर पा रही है, सबसे कम रिकवरी शो कर पा रही है। इसका मतलब कि हमारा जो M3 प्रोटीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है, मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा मेम्ब्रेन में क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन में मल्टीपल टाइम जो है इंगेज्ड है, और ट्रांस मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम जो है पास कर रहा है, इसकी वजह से उसकी मोबिलिटी कम है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा M3, जो M3 प्रोटीन है उसका जो हाईएस्ट नंबर में इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है, बिकॉज उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट कम है M2 और M1 की कंपैरिजन में, और हमारा जो M1 और M2 है वो लेस इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है उनके पास एज़ कंपेरिजन टू M3। सो होप आपको फ्रैप क्या होता है ये समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है ये भी समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।